हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग कराऊंगी। चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी एंड देन क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज़ बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। ओके, कुछ सबसे पहले वर्ड मीनिंग से शुरू करेंगे ताकि पोएम में जब ये वर्ड आए तो आपको पता हो कि इनका मतलब क्या होता है। लेट्स बिगिन नाउ। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर अ न्यू वीडियो ऑफ योर क्लास कम्स आउट यू कम टू नो। फर्स्ट इज इंपेशेंटली। इंपेशेंटली होता है बेसब्री से। जब आप किसी बहुत इंपेशेंटली किसी चीज का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रहे हैं। इसका अगर ऑपोजिट बताऊं तो पेशेंटली। पेशेंटली मतलब आराम से। नेक्स्ट इज इनफ। इनफ मतलब काफी। इट्स इनफ मतलब बहुत हो गया। नेक्स्ट इज ग्रोनअप्स। ग्रोनअप्स बोलते हैं एडल्ट्स को, जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क जो बड़े हो जाते हैं उनको ग्रोनअप्स कहा जाता है। नोबडी। नोबडी मतलब कोई भी नहीं। जायंट। जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा। इनसाइड मतलब अंदर। वैसे इजी ही है सभी वर्ड्स, बट अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो ये मीनिंग है कुछ वर्ड्स के जो कि आपके इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो यूज होने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो क्वेश्चन से स्टार्ट होती है पोएम। आर देयर सम थिंग्स दैट ग्रोनअप्स डोंट लेट यू डू। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रोनअप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आपको नहीं करने देते हैं। रीड अबाउट व्हाट द चाइल्ड फील्स। तो चलिए पढ़ते हैं कि बच्चा क्या फील करता है। There are lots of things, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, they wouldn't let me do, जो वो मुझे नहीं करने देते हैं। I'm not big enough yet, तुम अभी तक बहुत बड़े नहीं हुए हो। they say, वो हमेशा यही कहते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे कुछ कहते हैं कि मैं ये करूंगा तो घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम अभी छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो बच्चा ये कह रहा है कि वो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करने देते, ये कह देते हैं कि तुम अभी you are not big enough yet, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। So I patiently wait. इसलिए मैं patiently बहुत आराम से सब्र से wait कर रहा हूँ till I am all grown up. जब तक मैं पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जाता हूँ and I will show them all. और फिर मैं उन सबको show कर दूँगा, दिखा दूँगा one day, एक दिन. I could show them now. मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ. If they give me chance, अगर वो मुझे chance दे तो there are things I could do if I tried. बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो। लेकिन बड़े लोग करने नहीं देते कि तुमसे नहीं होगा, तुम अभी छोटे हो। जैसे कि if there is a girl in the house और वो कहे कि मैं रोटी बनाऊंगी तो मदर जनरली मना कर देते, नहीं जल जाओगे अभी तुम छोटी हो। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। वो ये कह रहा है कि बड़ा जब हो जाऊंगा तो मैं उनको दिखा दूंगा। वैसे मैं अभी भी दिखा सकता हूँ उनको अगर वो मुझे एक चांस दे तो। बट nobody knows, लेकिन किसको ही नहीं जानता। No, nobody knows. कोई भी नहीं जानता that I am really a giant inside, कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। वो सब मुझे बच्चा सोचते हैं और ये कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं अंदर से, मतलब कि जो मेरा confidence है वो बहुत बड़ा है और I am a giant inside. Poem लिखी है आपकी आइरीन येट्स ने। पोएट का नाम आप जरूर याद रखेंगे एंड अगेन एक बार मैं रीड कर देती हूँ, मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। बच्चे को लगता है जैसे आपको अगर हिंदी में एक पोएम याद हो, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, बच्चे वहाँ पर भी यही लगता है उसको। हमें बच्चे को सब मुझ पर ही दोष जमाते हैं। यहाँ पर ऑल दो चीजें डिफरेंट है। इसको लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो मुझे कुछ करने नहीं देते, हमेशा ये कह के छोड़ देते हैं कि तुम अभी छोटे हो। ठीक। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वुडंट लेट मी डू। I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up and I'll show them all one day. I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. Okay? Now let's do the question answers. Word meaning मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। आपको क्या लगता है जो स्पीकर है इस पोएम का, जो बच्चा बोल रहा है वो लगभग कितने साल का होगा? तो ये आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड, छोटा ही बच्चा है, मे बी 8 to 10 ईयर्स, 8 से 10 साल का होगा। बहुत छोटा बच्चा भी इतना कुछ नहीं सोचता है। लेकिन जो बच्चा 4th-5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत वो होती है कि हम लोग ये काम भी कर ले, वो भी कर ले, बड़ों जैसा दिखने की, उनके जैसे काम करने की। तो आई थिंक 8 to 10 ईयर्स का ये चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who are they and them in the poem? इसमें वो बात कर रहा है, वे मुझे नहीं करने देते, मैं उन्हें दिखा दूंगा। तो ये वे और उन्हें ये कौन है? Who are they and them? So they and them are in the poem are parents of the child. जनरली कोई बाहर का आदमी तो आपको आके मना नहीं करता है चीजें करने के लिए, आपके पेरेंट्स ही मना करते हैं। आई एम श्योर पेरेंट्स या फिर कोई एडल्ट घर में आपका बड़ा भाई है, अंकल है, उन सब लोगों के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, ग्रोन अप्स के बारे में जो बड़े लोग होते हैं। Next is what is the secret the speaker is hiding? इसमें जो स्पीकर है
मेरा जो बच्चा है वो एक सीक्रेट छुपा रहा है सभी से, वो कह रहा है ना कि लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, तो वो क्या सीक्रेट है? द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, जो सीक्रेट वो छुपा रहा है इज दैट, वो ये है दैट ही इज अ जायंट फ्रॉम इनसाइड, कि अंदर से वो एक जायंट है, जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है ना, उसने एक्चुअली पिक्चर में दिखाया भी है, आई शो यू क्लियरली, देखिए ये अपने ये